चाहे कुत्ता कितने भी ठहरी नींद में सोया हो, लेकिन पास से जब भी कोई निकले, चाहे कितने भी पांव दबाकर निकलता हो, लेकिन कुत्ता अपने कान झाड़कर बता देता है कि मैं जाग रहा हूं, मैं सोया नहीं। ये लक्षण है अल्पाहारी, थोड़ा खाने वाला, बिल्कुल जो थोड़ा खाता है। अगर ज्यादा खाएगा, आलस आएगा, सो जाएगा तो भजन कम करेगा। भजन और भोजन, जब मंच चला तो ये बात सबसे पहले चली, भजन और भोजन की, कि भोजन की कितनी लंबी कतारें थी। भजन और भोजन शब्द वही है, उसमें भी भैजन आता है, उसमें भैजन आता है, लेकिन भोजन में एक मात्रा लगी हुई है, ओ की मात्रा है उसके ऊपर, वो था भजन भोजन भोजन। और भोजन में मात्रा है, मात्रा किसको कहते हैं पता है? कुछ इंग्लिश का शब्द बताता हूं, मात्रा कहता है लिमिट को। भोजन में मात्रा है, भोजन थोड़ा करो, लिमिट करो, थोड़ा करो भोजन, लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं भैया, भजन में कोई मात्रा नहीं है, भजन अनलिमिटेड है, जितना मर्जी उपयोग कर सकते हो, लेकिन भोजन कम अल्पाहारी, थोड़ा खाने वाला, गृह त्यागी, जो अपने घर का त्याग कर सकता हो, तो घर से दूर रहे, गुरुकुल में रहे, गुरुओं के पास रहे, उनकी सेवा करे, ये पांच लक्षण चाहिए। ब्रह्मचारियों में भी ये होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, गुरुओं के साथ रहते हैं, उनमें ये पांच लक्षण बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो वो चेला फेल हो जाएगा, वो पास नहीं होगा। ऐसे लक्षण जो संत महापुरुषों ने कहे, प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी श्री मिंदली निवासी भगवान परमेश्वर गुरु महाराज जी ने वहां बैठकर उनको यहां बिठाया, कृष्ण द्वारा में बैठकर समझाया कि यहां बैठकर कब करना है, और वो बैठ गए। 13 साल नहीं उठे, 13 साल। इसको कहते हैं समर्पण, श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पण किसको कहते हैं, इस चीज को कहते हैं। मुझे एक बात याद आती है, एक बड़े दार्शनिक हुए, बड़े फिलोसफर, और वो फिलोसफर कैसे थे, सुकरात के नाम से वो मशहूर हुए, सुकरात, और उनके गुरु जी का नाम था प्लेटो, जो इतिहास में पढ़े जाते हैं, जो आपके सिलेबस में पढ़े जाते हैं। एक दिन समुद्र के किनारे पर टहल रहे थे तो वहां उन्होंने देखा कि एक बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। अब उन्होंने देखा कि बच्चा क्यों रो रहा है, उसके पास गए कि बेटा क्यों रोते हो, एक प्याला ऐसे हाथ में था बच्चे के। उन्होंने कहा कि महाराज, मैं बार बार इस समुद्र का पानी इसमें भरता हूं, और मेरा मन कहता है कि मैं सारा समुद्र इस प्याले में डालूं, लेकिन ये मेरे प्याले में नहीं आता है, इसलिए रो रहा हूं। और ये बात जब सुनी दार्शनिक ने, वो भी रोने लगा, वो रोने लगा। उस बच्चे ने कहा कि महाराज आप क्यों रोते हो? बोले, मैं भी सोचता था ये सारी दुनिया का ज्ञान अपनी इस बुद्धि में भर लूं, लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, क्या बहुत अनंत है मेरी बुद्धि, तो सूक्ष्म छोटी है, इसमें सारा ज्ञान नहीं बन सकता। आज तुमने मेरी आंखें खोली, ये नहीं आ सकता। उस बच्चे ने क्या किया, वो जो क्या था उसके हाथ में था, उसने ऐसे उठाया और समुद्र में से मारा। उसने कहा, ये मेरे में नहीं पड़ सकता, मैं तो इसमें ये प्याला उसमें भर सकता है। अब जब वो सीन देखा, उस प्याले को समुद्र में डूबता हुआ देखा, सहारे पर हो गया, उसने ये तो दूसरा सूत्र है
ये तो आज आंखें खुल गई कि वो इतना विराट है कि प्रभु तुम अणु से अंतरिक्ष हो और प्रभु तुम गगन से विशाल हो। मैं विशाल हूं तुम्हें कौन सी, प्रभु तुम तो बेमिसाल बेमिसाल है, अनंत है, विराट है, वो नहीं आ सकता हमारी बुद्धि में, वो नहीं समा सकता। इतना विराट है वो उस प्याले को जैसे दे मारा। दार्शनिक कहता है, वो प्रोफेसर कहता है, वो फिलोसफर कहता है, कहता आज आंखें खुल गई, ये तो मुझ में नहीं समा सकता, वो तो मुझ में नहीं समा सकता, लेकिन मैं उसमें समा सकता हूं, मैं उसमें समा सकता हूं, मैं अपना पूर्ण समर्पण दे सकता हूं। हमारे श्री गुरु महाराज श्री नंदी नाथ भगवान जी ने अपना पूर्ण समर्पण दिया और आज पूरे विश्व के अंदर श्री गुरु महाराज के नाम का दर्शन लग रहा है। क्योंकि देखो जो समर्पण करते हैं उन्हीं के जयकारे लगते हैं। आपने पूरी गीता सुनी, पूरी गीता सुनी आपने भगवान कृष्ण की, और उसमें भगवान कृष्ण पूछते लास्ट में 18वें अध्याय अर्जुन को समझ में आया, बोले नहीं महाराज कुछ भी समझ में नहीं। बोले हमने इतना ज्ञान दिया, इतने योग चाहे, बोले महाराज कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, भगवान कहते हैं कि अर्जुन सर्व धर्मान प्रत्यक्ष माम एकम शरणम मृत, छोड़ सारे धर्मों पर मुक्त त्याग दे, मां में कम शरण मृज, केवल मेरी शरण प्राप्त कर, केवल मेरी शरण में आजा। तीन शब्द है, मां में कम शरण मृज, तो मेरी शरण में आजा। शरण में आने का बड़ा लंबा चौड़ा भाव है इसका व्याख्या का, तो समय नहीं, मिनट तो 10 है, एक दो ऊपर भी हो जाएंगे। अपने आप को अब पूर्ण समर्पण कर दे, में मुझे भगवान ये कहते हैं कि अर्जुन तू पूर्ण समर्पण कर, और फिर ग्रंथी ने दे, ग्रंथी ग्रंथी दी। भगवान कहते हैं कि अहम तो आप सर्व पापे से हो, तेरे जितने भी पाप हैं, ताप हैं, संताप हैं, वो सारे साफ मोक्ष जिसके लिए दुनिया तड़प रही है, मोक्ष प्राप्ति के लिए, ये आवागमन ना हो, बार बार जन्म और मरण ना हो। भगवान कहते हैं कि केवल एक काम करो, तुम समर्पण करो, मैं तुम्हें मोक्ष देता हूं। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं खड़ा बार बार पुकार रहा हूं, तुम मुझे अपना हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें भाग देता हूं। स्वरूप दर्शन पढ़ते आप सभी, श्री गुरु महाराज का जीवन चरित्र पढ़ा हमने, और श्री गुरु महाराज जी ने एक समर्पण की बात कही कि तुम मुझे समर्पण करो, तुम अपना हाथ मेरे हाथ में दो, मैं तुम्हें फंसे पार लगा दूंगा। और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, मोक्ष शक्ति मास्टर, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान कर दूंगा, मैं तुम्हें आवागमन से मुक्त कर दूंगा। ये एक अर्थ है हमारे जीवन का। प्रेमियों, ये जीवन मिला इसलिए है कि अपनी प्रारब्ध को भोगते हुए हम लोग उस रास्ते पर चले जो सतगुरु ने हमें दिया है। उससे अच्छा और बढ़िया कोई ना तो कोई मंत्र है, कोई महामंत्र है, जो गुरु देता है वो महामंत्र होता है, उससे बड़ा कोई कुमंत्र नहीं है, कोई महामंत्र नहीं है इससे बड़ा। सबसे बड़ा वो जो गुरु मंत्र है वही है, जो गुरु ने कह दिया उस पर चढ़ा, विश्व के नाम को आ गया और फिर मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो ये समय हमारे पास बहुत कीमती समय है, बहुत कीमती समय है, दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन यहां संत लोग एक और बात कहते हैं, संत लोग कहते हैं कि अगर आपने नाम शब्द ले लिया तो ये समझो कि आपका मनुष्य जन्म पक्का हो गया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो जपोगे, अगर 2-3 घंटे नहीं लगाओगे तो 10-15 मिनट तो लगाओगे। तो संत लोग ये कहते हैं कि अगर आप थोड़ा थोड़ा भी जपते हैं
भी आपको मनुष्य जन्म पक्का हो जाता है, क्योंकि जान छोड़ दिया दोबारा वहीं से शुरू होना है, जो छूट गया जान से दोबारा वहीं से शुरू हो जाएगा। तो आज इस प्रसंग में मैंने केवल इतना कहना है कि ये जीवन बहुत अनमोल है, इसको आप लोग जो है संभालो, इसे व्यर्थ के विषयों में मत खो, संसार के विषय आपको आवागम पर मजबूर कर देंगे, ये विषय बहुत खतरनाक होते हैं। अलि पतंग मृग मीन गज जरत एक ही आंच, और वो प्राणी कैसे जिए जिसको लागे पांच, जिसके पीछे पांच पांच लगे हैं। अरे अलि कहते हैं उसको भमरे को, भमरा होता है फूल के ऊपर बैठता है, सुगंध में इतना मस्त हो जाता है, फूल बंद हो जाता है, सुबह खुलता है तो मरा हुआ मिलता है। पतंगा आंच पर जाता है आग के ऊपर और अपने पंख जलाकर वहीं गिर जाता है, उसको देखने का शौक है, उसको सूंघने का शौक है। मृग को सुगंध का शौक होता है, बीक का तरण सोने का शौक होता है उसको, और वो बीक की मस्ती में अपने प्राण गवा बैठता है। मछली मीन उसको खाने का शौक होता है, और वो खाने के चक्कर में जीवा का वो क्या, वो आटा लगाकर या मछली लगाकर वो लगाते कांटा, वो मछली खाने के लिए जाती है और निकाल कर बाहर फेंकते हैं, वो भी अपने प्राण त्याग देती है। गज अलि पतंग मृग मीन गज, गज कहते हाथी को, इसको काम का शौक होता है, वो उसे भी अपने प्राण दे देता। तो प्रेमियों उनको तो एक एक विषय है, तो वो अपने प्राण गवा बैठते हैं, और इस जीव के पीछे तो पांच पांच लगे हैं प्रेमियों, पांच पांच विषय है के पीछे। तो ये पांचों से अगर बचना है विषय और विकारों से, तो श्री सतगुरुदेव भगवान ने जो रास्ता हमें दिया है, जो मार्ग हमें दिया है, जो पथ हमें दिया है, इससे बढ़िया दूसरा कोई पथ नहीं हो सकता। गुरु महाराज जी के नाम का भजन, गुरु महाराज जी के नाम का सिमरन, ये सब करते हुए और गुरु घर की सेवा करते हुए हम अपने प्राणों को त्याग दे, ये निश्चित है कि आपको मोक्ष ही मिलेगा, ये पक्का है। और ये जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की।